कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत बात करूंगी आज इस वीडियो में बहुत ही खास चीजों के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें आज का पंचांग, उसके बाद बताएंगे उन तमाम खास जानकारियों के बारे में जिसकी चर्चा हम अपने पिछले कई वीडियोस से करते आ रहे हैं। आज पंचांग पे सबसे पहले नजर डालते हैं, क्योंकि और बहुत सी ऐसी खास बातें हैं जो हम आगे वीडियो में आपसे करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो 23 तारीख है, 23 सितंबर दिन बुधवार है, माह है आश्विन, पक्ष की बात करें तो वो है शुक्ल, तिथि है सप्तमी, जो है शाम के 7:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, यानी शुभ मुहूर्त आज नहीं है। राहु काल की बात करें तो 12:13 से 1:43 तक है और दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। तो ये बात हो गई पंचांग की। दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो से आपको बताते आ रहे हैं कि आज के दिन राहु और केतु का गोचर हो रहा है। साल की शुरुआत से ही, यानी 2020 की शुरुआत से ही 23 सितंबर तक राहु का गोचर मिथुन राशि में रहेगा, यानी आज तक था, और आज के बाद यानी आज प्रातः 8:20 से या मिथुन से वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु हमेशा वक्री अवस्था में ही जो है चलते हैं। कलयुग में राहु का गोचर मानव जीवन पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और भी राहु के गोचर की बात करेंगे आगे वीडियो में, लेकिन और आपको एक और खास जानकारी देखिए, आज केतु भी गोचर कर रहा है। तो केतु जो था वो धनु राशि में था, अब वो जो है प्रातः 8:20 पर जो है ये राशि परिवर्तन करेगा और धनु से वृश्चिक राशि में होगा और साल के अंत तक इसी राशि में रहेगा। केतु हमेशा राहु की भांति ही वक्री चाल चलता है, यानी राहु और केतु दोनों वक्री चाल चलते हैं और वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे राशियों में आते हैं। तो हमने आपको बताया कि आज 8:20 पर राहु और केतु दोनों का गोचर होने वाला है। दोनों अपनी अपनी जो है राशियों से पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में तमाम जानकारी राहु केतु से जुड़ी हुई होगी और साथ ही हमने आपको जो है बताया था अपने पिछली वीडियो में कि राहु किस भाव में होता है तो क्या फल देता है, उसकी जानकारी अगर आप चाहते तो हमारे पिछले दैनिक राशिफल के वीडियोस को देख सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए आपको स्पेशल एक वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के राशिफल की। आज जो है चंद्र राशि पर आधारित अगर राशिफल की बात करें, मून साइन पे बेस्ड है ये राशिफल। मेष वालों की बात करें तो आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह आपके अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा हुआ है। डर सहजता को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दे ताकि यह आपको कायर न बना सके। इस राशि के बड़े व्यापारियों को, कारोबारियों को आज के दिन सोच समझकर पैसा निवेश करने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति को भंग ना करने दें। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं। वरिष्ठों से जो है यानी बॉस ऑफिस में सीनियर्स से आपको पदोन्नति या लंबे वक्त से लटके किसी काम के पूरे होने का तोहफा मिल सकता है। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आज तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर से प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज के दिन काले और सफेद तिल को मिलाकर बराबर मात्रा में और एक चित कमरे कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आप खुद को आज ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे, लेकिन काम का बोझ आप में खिंच पैदा करेगा। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह उड़ा रहे थे आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। नाती पोतों से आज आपको काफ़ी खुशी मिल सकती है। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुला देगा। कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का भी एहसास होगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए बाहरी लोगों के कहने पर अमल करना आज ठीक नहीं होगा। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए हमेशा जो है ट्रांसपेरेंसी रखें, बातों को क्लियर करते रहें,
मन में कोई डाउट है तो उसको बातचीत करके, ना कि लड़ाई झगड़ा करके उसको सॉल्व किया करें। तो इस तरीके से आप जो है बातचीत से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, इस बात को याद रखें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर दूध या जल में केसर डालकर आज उसका सेवन करें, इससे धन प्राप्ति आपको होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज राहु केतु का गोचर हो रहा है, राहु केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इसके लिए हमने एक अलग से हमारे चैनल पर वीडियोस बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। बाकी इसमें हमने आपको टाइमिंग बता दी, ये बता दिया कि किस राशि में गोचर होने वाला है, थोड़ी बहुत जानकारी और हम आपको राहु के बारे में देंगे, केतु के बारे में देंगे, ताकि आपके जो है डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो, बेसिक्स आपके क्लियर होते रहें। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं है, फिर भी मानव जीवन में इसका सबसे ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। राहु के लिए कहा गया है कि राहु अगर बिगड़ जाए तो नरक सी जिंदगी बना देता है, और सुधर जाए तो ताज भी पहना देता है। राहु के लिए ही कहा गया है कि राहु जिसे मारे तो फिर उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे फिर कौन मारे। राहु अगर खराब फल दे तो मुकदमों में अवश्य फंसा देता है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिना बात की मानसिक परेशानियों में उलझा देता है राहु। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ खराब फल ही देता है, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि राहु शनि ये लोग सिर्फ बुरे प्रभाव देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, राहु भी शुभ प्रभाव देता है। अगर राहु शुभ प्रभाव दे तो जातक को बहुत सारा धन और राजनीति में मान और सम्मान के साथ उच्च पद भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु गलत ही इफेक्ट डालता है, राहु शुभ भी प्रभाव देता है पैसों के मामले में, जो है आपके यश के मामले में। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, और वहाँ राहु के गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा ये जानकारी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए राशिफल की तरफ फिर से बढ़ते हैं। मिथुन वाले ध्यान से सुनिए, अपने दफ्तर से आज जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन आज अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें, यानी कोई अगर आपको जो है बढ़ा चढ़ा के आपसे पैसे खर्च कराना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपनी जेब को भी है ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में आप सारे पैसे उड़ा दें, थोड़ा सा अपने पैसों पर भी नज़र रखें। जो बच्चे हैं आज पढ़ाई की कीमत पर बहुत ज़्यादा देर घर से बाहर रहेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको आपके माता पिता के गुस्से का शिकार बना सकती है। जो लोग जॉब करते हैं करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। एक बार करियर सेट हो जाए तो आप पूरी जिंदगी जो है ऐश मौज करते रहेंगे। माता पिता को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है, यानी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और अपने जो है आपकी जो आत्मिक खुशी है जैसे खेल कूद में या जिस चीज में भी उसको भी इसमें बैलेंस रखना है। आज के दिन लव लाइफ की बात करें तो खूबसूरत प्रेम संबंध में आपकी सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी, लवर से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आज किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता नहीं चलता, और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। टाइम की इम्पॉर्टेंस को समझें, समय निकलते जाता है लेकिन अगर आप समय पर कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं करते हैं तो बाद में आपको उसका पछतावा होता है। तो पछतावे से अच्छा है कि आप पहले से ही प्लानिंग करके चलें। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ कुछ रोमांचक होने वाला है, तैयारी हो सकती है किसी चीज़ की, कहीं जाने की, कुछ नया करने की। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आज के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। अपनी शारीरिक सेहत को सुधारने के लिए संतुलित आहार लें। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते थे, यानी प्रॉपर्टी आदि से जो भी डीलिंग थी उसके लिए आज आपको अच्छा खरीदार मिल सकता है, पैसा मिल सकता है उसकी वजह से। बहन अगर जिन लोगों की है, जिस इस राशि के जिन लोगों की बहनें हैं, उनकी शादी कहीं फिक्स हो सकती है या उससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिल सकती है, कोई खबर मिल सकती है, लेकिन उससे दूर होने का ख्याल भी आपको उदास करेगा। आपको भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए, ये हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि इस राशि के जो लोग हैं वो भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और वर्तमान को नहीं जीते। तो वर्तमान को जीना सीखें, क्योंकि आज अगर आप खुश हैं तो यही खुशी आपको आने वाले समय में भी खुश रखने में मदद करेगी। आज ही टेंशन में है तो आने वाला समय भी टेंशन में बीतेगा, तो खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें। जिन लोगों की सगाई हो चुकी है या जिन लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है, आज उनके अपने पार्टनर से, होने वाले पार्टनर से बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज कार्यालय में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं, ये लोग कभी लोगों के बीच रहकर खुश होते हैं तो कभी अकेले, यानी आप जो है
दोनों तरीके से खुश रह लेते हैं। कभी आप लोगों के बीच भी आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अकेले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज के दिन कुछ समय आप अपने लिए ज़रूर निकालें और वो चीज़ें करें जो आप पसंद करते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए आपको जो है आज थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। मैरिड लोगों की बात करें तो पार्टनर का आज सपोर्ट मिलेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर आज के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। परेशानियों के बारे में सोचते रहना और तिल का ताड़ करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका जो है पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे आज। जो लोग जॉब करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके लिए आज शुभ है। आज ऑफिस में, कार्यालय में आपको अपने सीनियर्स का, वरिष्ठों का बहुत अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो इसका सदुपयोग करना सीखें, उसको वेस्ट ना करें। ऐसा करके आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए बात की जाए तो जीवन साथी आपको आज खुश रखने की काफी कोशिशें करता नजर आएगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर विष्णु या दुर्गा जी के मंदिर में कोई जो है वस्तु या फिर पैसे दान में दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले केतु गोचर जो आज हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वैसे तो केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, इसके विषय में एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने आपको बताया है कि इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, क्या उपाय करना है। इसमें हम आपको थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर कर रहे हैं। राहु केतु को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। केतु गोचर के अनुसार जो है वैदिक ज्योतिष में अगर देखें तो केतु एक रहस्यमय और मायावी ग्रह है। केतु के लिए कहा गया है जब ये देने आए तो भंडार भर देता है और लेने आए तो भरे भंडार भी खाली कर देता है। केतु अपनी दशा में जितनी तेजी से धन व प्रतिष्ठा लाता है उतनी ही तेजी से अपने साथ ले भी जाता है। ये मायावी ग्रह सब कुछ मायावी ही देता है। केतु दिमाग के ऊपर ऐसी माया डालता है कि इंसान अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। केतु अगर शुभ हो तो बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और आने वाले समय की इंट्यूशन पावर देता है। तो इसीलिए केतु को प्रसन्न करने के लिए अगर आप उपाय करते हैं तो केतु से बहुत सारी मायावी शक्तियां मिल सकती हैं। कहते हैं जिन लोगों के पास इंट्यूशन पावर हो उनका कोई काम खराब नहीं होता। और सोचिए कि केतु ही वो ग्रह है जिसको खुश करके, जिसको शुभ करके, जिसको आप प्रसन्न करके आप अपने इंट्यूशन पावर को, अपनी कल्पना शक्ति को अच्छा कर सकते हैं। तो केतु को ज़रूर प्रसन्न रखें। अगर कुंडली में केतु खराब है तो उसको प्रसन्न करने के उपाय हमारे वेबसाइट पे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो के द्वारा हम बताएं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताएं, कमेंट करें कि हम आपको केतु पे अलग केतु के उपाय बताएं। तो आप कमेंट करेंगे, हम जरूर आपको वीडियोस बना के देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल पे। कन्या राशि वाले ध्यान से सुनिए। क्षणिक आवेग में बहकर कोई निर्णय ना करें या आपके बच्चों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। आज आपकी जो सामाजिक जीवन में दोस्त हैं वो काफी मददगार रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। मोहब्बत के मोर्चे पर आज आपकी जो तूती बोलेगी, आपका महबूब आपकी रसिक कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहेगा। आज नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए खास योजना बनाई है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज के दिन काले सफेद कपड़े या मोतियों की माला धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। ख्याली पुलाव पकाना मदद नहीं करेगा आज, तो इसीलिए बातों को ज्यादा सोचने से अच्छा है कि कर्म पे बिलीव किया जाए, काम किया जाए। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आज आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है। अपने धन को संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख कर आप अपना धन बचा सकते हैं। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा, यानी फैमिली में आज कोई छोटा मोटा ओकेजन हो सकता है, छोटी मोटी कोई गैदरिंग हो सकती है, आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें, सिर्फ मूक दर्शक बनकर ना रहें। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है तो इसीलिए प्यार पर भरोसा रखें, अपने लवर पर भरोसा रखें। आज महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में ना आए। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी।
क्या आपको लगता है कि शादी सिर्फ एक समझौते का नाम है? अगर हाँ तो आज आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है काले रंग की चीजों को आप धारण करें, काले रंग की चीजों का प्रयोग करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। ध्यान और योग ना केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं और आपको जो है पैसों के मामले में फायदा हो सकता है। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को पूरा ना कर सकें, यानी फैमिली की तरफ से आज आपको थोड़ा सा हताशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराएं नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज अगर थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां हैं तो कल जरूर अच्छा समय आएगा। इस बात की इच्छा ना करें कि आपके परिवार वाले आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदल कर आप खुद पहल करें। लव लाइफ की बात करें तो आज प्रिय आपसे नाराज हो सकता है, प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जो है जाहिर करते रहें। आज जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आप काफी फायदे में रहेंगे, लेकिन आपको जो है अपने पार्टनर से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अपने पार्टनर को खुश रखकर ही कोई भी आप जो है डिसीजन लें। वक्त के साथ चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही आपको यह समझने की जरूरत है कि जब भी आपके पास खाली समय हो अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि टाइम के साथ पैसे भी कमा लेंगे, बहुत सारा नाम भी कमा लेंगे, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं उनको आपको बहुत संभाल कर लेकर चलना होगा। आज खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपको बेवजह तंग कर रहा है, यानी हल्की फुल्की नोकझोंक आपके मैरिड लाइफ में हो सकती है। इससे बचने के लिए एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बातें करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा, यानी आज आपकी जो ये क्षमता है लोगों को खुश रखने की, इसकी वजह से आपको काफी प्रसन्नता मिलेगी। पैसों की बात करें तो पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। फैमिली लाइफ में आज परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से अपनी मानसिक शांति को भंग ना होने दें। अगर आप हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके और आपके प्रिय के बीच काफ़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, तो अपना डोमिनेटिंग नेचर जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपको तानाशाही नहीं दिखानी है, जबकि मिल के चलना है। जब हम परिवार में चलते हैं रहते हैं तो हमें सबकी खुशियों का ख्याल रखना होता है, सबकी इच्छाओं को देखना होता है, ये नहीं कि ऐसा करना नहीं होता कि हमें अपनी इच्छाओं को उन पर थोपना होता है। तो थोड़ा सा आज आपको जो है मिला के चलना होगा, नहीं तो आपके लव पार्टनर के साथ परेशानी हो सकती है। आज जो अभी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपको आज विरोध कर सकते हैं, आपके किसी डिसीजन को जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो मिलाकर चलें, देखकर चलें, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर उठाएं। अपने आत्मविश्वास का, जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क और दोस्त बनाएं। कहते हैं संपर्क जो है ये कभी खराब नहीं होता, आप जो भी कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं ये आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर लाभ देते हैं। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे अगर आपकी, तो आपको आगे भी फायदा होगा। संभव है कि शुरुआत में, दिन की शुरुआत में जीवन साथी की ओर से थोड़ा कम ध्यान मिले, लेकिन दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि वह आपके लिए ही कुछ न कुछ करने में व्यस्त था। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर केसर से तिलक करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आज खेल कूद में हिस्सा लेने की जरूरत है, क्योंकि चीर यौवन का रहस्य यही है, जितने एक्टिव रहेंगे उतना यंग दिखेंगे, जितने खुश रहेंगे उतना यंग दिखेंगे। तो इसीलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। आज के दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, और अगर देना बहुत जरूरी है तो रिटर्न में उनसे लेके पैसा कब वापस करेंगे, क्योंकि अगर आप पैसों का लेन देन आज करते हैं तो फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। आज आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है, लव लाइफ में आज आपको अच्छा फील होगा। वहीं अगर बात करें इस राशि के जॉब करने वाले लोगों की, छात्रों की, तो बहादुरी भरे कदम और फैसले आज आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। तो जो भी कदम आज उठाते हैं आप जो है निडरता से, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज खुश हो सकते हैं, और सारा दिन उस सामान को जो है साफ करने में आप बिता सकते हैं, उसकी रखरखाव को, उसको ठीक करने में, रिनोवेट करने में आप बिता सकते हैं। ये गृहिणियों के लिए भी है, आज गृहिणियों का समय जो है वो आज बहुत सारा घर की देखरेख में जाएगा। संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच आज तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इससे बचाव नहीं करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं
रिश्ता एक धागे की तरह होता है, उसको जितना खींचेंगे टूटने की संभावना, टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उसे ज़्यादा ना खींचे, उसको प्यार से अगर आप पकड़ के रखते हैं तो वो वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा रिश्ते में खींचता ना रखें, अपने प्यार से रहें और अब जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर आज अपने बड़े भाइयों का सम्मान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसा युक्त और तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, यानी आज आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है, नहीं तो हेल्थ बिगड़ सकती है। पैसों की बात करें तो जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, आज का दिन आपके लिए शुभ है। धन प्राप्त हो सकता है कहीं से और जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ जो पैसों से रिलेटेड थी वो दूर हो जाएंगी। आज आपको जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो छात्र हैं, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की ज़रूरत है जहां आपको अपनी समान रुचि वाले लोगों से मिलने का मौका मिले। सिमिलर इंटरेस्ट, यानी अगर आपको राइटिंग पसंद है तो राइटिंग, ड्राइंग पसंद है ड्राइंग, आपको सिंगिंग पसंद है सिंगिंग, डांसिंग तो डांसिंग, ऐसे लोगों से आज मिलने जुलने की कोशिश करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ऑलरेडी जान पहचान है तो उनसे बात करें ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले। अगर आपको लगता है कि आपका लव मेट, यानी हम बात कर रहे हैं लव लाइफ की, अगर आपको लगता है आपका लव मेट आपकी बातों को नहीं समझ पाता तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उनके सामने रखें। आज अन्य दिनों की अपेक्षा आप और आपके सहकर्मी जो है, आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। कलीग्स के साथ अच्छा समय बीतेगा, मैंने कहा सिमिलर इंटरेस्ट, और अपने साथ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार आपको हमेशा तरक्की पर ही लेकर जाएगा। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए निराश मत होइएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आज जो है सब कुछ शांत रहने वाला है। आज आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, पति पत्नी जो है एक दूसरे से शांति, कुछ खास तो नहीं होगा लेकिन शांति रहेगी आपके रिश्ते में। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आज गाय को रोटी खिलाएं या फिर आप जो है कुछ चीज़ें, पैसे या फिर जो भी आप अनाज वगैरह गौ आश्रम में दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आपके हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी जो आप खुश रहते हैं आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो आपके आसपास के लोग जो है आपसे प्रभावित होंगे। कहते हैं हमेशा रोते रहने से, दुखी रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता, आपको और ज़्यादा परेशानी ही बढ़ती है। तो खुश रहना सीखें हर परिस्थिति का जो है। अगर आपके पास आज बुरा टाइम है तो उसका अच्छा जो है समय ज़रूर आएगा। अगर आप अपने कर्मा को अच्छा रखते हैं, आप काम अच्छा करते हैं, कर्म अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा जो है फल भी ज़रूर मिलेगा। खुश रहें, लोगों को खुश रखें। आपसे जो है सबको यही सबक मिलेगा कि ज़िंदगी की खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि खुद के भीतर ही है। आज बात करें तो आपका कोई पुराना मित्र कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर अमल करेंगे तो धन लाभ ज़रूर होगा, यानी पुराने किसी सोर्स से, आपके जान पहचान से आपको लाभ हो सकता है। ऐसा कोई जिसे आप जानते हैं आर्थिक मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेगा और घर में थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है, यानी पैसों के मामले में आज घर में तनाव देखने को मिल सकता है। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हो जाएं। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज अच्छा दिन है, यानी कि कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। इस राशि वालों को खुद के लिए काफ़ी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते एक बार फिर आप उनके प्यार में गिरफ्त हो सकते हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज के दिन तामसिक चीज़ों का, शराब सिगरेट का, इन सबका सेवन ना करें क्योंकि इससे मंगल बिगड़ता है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन यानी 23 सितंबर का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि राहु और केतु का गोचर हो रहा है। हमने आपको राहु केतु के बारे में, जिन लोगों को नहीं ज़्यादा आइडिया है या जिनको नहीं पता है, उनको हमने इस वीडियो में बताया कि राहु ग्रह क्या है, केतु ग्रह क्या है, बाकी ये गोचर जो आज होने वाला है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, सभी 12 राशि के जातकों पर, इससे जुड़े वीडियोज हमारे चैनल पर हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका राहु केतु से जुड़ा कोई सवाल है और भी कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे हम आपके हर जो है सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नीचे कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो। तो आप ज़रूर कमेंट करते रहें, बताते रहें हमें, अपने सवाल सुझाव लिखते रहें ताकि हम अपने इस दैनिक राशिफल को और बेहतर बना सकें, क्योंकि ये राशिफल सिर्फ आपके लिए है।
इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हम आपको बस जागरूक करना चाहते हैं ताकि आपका दिन बेहतर बन सके। और हम ज्योतिष के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपको बताते हैं कि दिन की प्लानिंग कैसे करें। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।